Very good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 6th of January 2024 and you are watching with Naresh Sharma. Now, we are going to discuss some important news or current affairs which can be very relevant for your examination, and there can be various facts and concepts which would help you in your examination. So first of all, start with the National Tiger Conservation Authority. इसको हम generally NTCA भी बोल देते हैं. NTCA, National Tiger Conservation Authority. If we talk about it, it was established in 2006 as a statutory body. It means ये एक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी और इस एक्ट का नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. समटाइम्स यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हेन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, तो इट वाज 1972. बेसिक क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, तो उसमें ईयर दे देता है वो 1982, 1976. In this way, the examiner can provide you some options, and there will be one another option that is 1972. So this will be the correct option. Next, it can ask this when the NTCA was established. It was established in 2006. अगर हम इसके structure and administration की बात करें, तो it is chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. So keep it in mind that it is administered by the chaired by Minister of Environment, Forest and Climate Change. Next one is iska jo main kaam kya hai, providing ground protection initiatives to science based monitoring of tigers, cheetah and their habitat. It means National Tiger Conservation Authority कि जो बेसिक वर्क है वो है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स एंड अप्रोचेस दे प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मॉनिटरिंग टू द टाइगर्स चीता एंड देयर हैबिटेट. तो टाइगर्स चीता हैबिटेट वगैरह इन सब के लिए, प्लस इनका जो हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं उन सब की मॉनिटरिंग करना, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी साइंटिफिक स्टडी हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन प्रोवाइड, व्हाट वी कैन हैव देम साइंटिफिक स्टेप्स और मेथड्स, सो देयर कुड बी नो थ्रेट टू द टाइगर्स. फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंटर स्टेट इन मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स. ये NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, फोस्टर करती है, बढ़ाती है, एंश्योर करती है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की. किसके लिए, जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं उन सब का कैसे मैनेजमेंट हो, उनका कैसे प्रोटेक्शन हो, और हाउ वी कैन प्रमोट द टाइगर रिजर्व्स एंड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन ईच टाइगर रिजर्व. सो दिस इज द मेन वर्क. नाउ अब a common question in nowadays examinations, it is Project Tiger. This question is much repeated question. बहुत बार इस question को पूछा गया है कि Project Tiger कब start हुआ था. तो ये start हुआ था 1973 में. जब start हुआ था तो इसका main work था कि हम जो Bengal Tiger है उसको protect करना चाहते हैं. So ये हमारा main point जो है टाइगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि विच इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन दैट स्टेट. कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, तो आप मेरे को बताइए कमेंट्स में. गूगल पर सर्च कर लीजिए या कुछ भी कीजिए, या देखिए कि जो है कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं. नेक्स्ट, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज इन न्यूज, दैट इज
रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ये कई बार न्यूज में रहा है इन दिनों, तो इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट आर इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सम पॉइंट्स अबाउट इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड इट्स वर्किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट रामसर कन्वेंशन, रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। ओके, कहां पर है ये? ईरान में एक प्लेस है और उसी के नाम से ये स्टार्ट हुआ, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। कैसी ट्रीटी है ये? इंटर गवर्नमेंटल। इट मींस इसके जो पार्टीज हैं, इसमें जो पार्टीज हैं वो कौन है? गवर्नमेंट है बहुत सारे कंट्रीज की, ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट्स हैं। और इस सबको कौन जो है डील करता है? तो इट्स यूनेस्को। यूनेस्को सारे के सारे फंक्शन इसको देखता है। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोमोट द वाइज यूज ऑफ द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके एनवायरमेंट को जो है प्रोमोट करना, ठीक है, दोज काइंड ऑफ फैसिलिटीज और ऑब्जेक्टिव्स आर एसोसिएटेड विद रामसर कन्वेंशन। अगर हम बात करें कि व्हाट आर वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स वो होती हैं जिनमें बहुत सारी लेक्स आती हैं, या हम कहें कि जैसे ये लेक हो गई और यहाँ पर लैंडमास वाला एरिया हुआ, तो दिस काइंड ऑफ रीजन द ट्रांजिशन जोन कैन बी कॉल्ड अ वेटलैंड। ओके, मीन्स सम टाइप्स ऑफ मडी लैंड्स, मडी टाइप के जो एनवायरमेंट जो है होती, इकोलॉजी झाकी होती है, दीज आर कॉल्ड वेटलैंड्स। और इन वेटलैंड्स का एक बहुत अच्छा जो यूज है वो है कि जो वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर होता है वो जो रिचार्ज होता है उसमें इनका मेजर रोल होता है। ओके, ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि फिल्टर करके पानी को अंडरग्राउंड पहुंचाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रामसर कन्वेंशन का ईयर, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1971 एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट कैन बी फ्रॉम दिस न्यूज इज दैट इंडिया टिल नाउ हैव 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। सो ये कई सारे पॉइंट्स हमने देखे, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स गाइज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज दैट इज रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPs। ये अभी न्यूज में रही बिकॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रॉट सम न्यू रूल्स। फॉर वॉट? दीज रूल्स आर फॉर अलोकेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ RUPPs। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कुछ न्यू रूल्स लेकर के आया है, किसके रिगार्डिंग में? कि जो RUPPs हैं उनके लिए जो इलेक्शन सिंबल्स हैं कैसे अलॉट होंगे, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस होंगी एटसेट्रा। सो आपसे क्वेश्चन बनता है मेरे को, आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आप कमेंट में बताइए। एक चीज और बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं अलोंग विद चेयरमैन, विद चेयरमैन, आप मेरे को बताइए। बेसिक से क्वेश्चन है, यू शुड नो दीज क्वेश्चन। एंड व्हाइल यू आर टाइपिंग योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज सच काइंड ऑफ फैक्ट्स बिकॉज यू कैन नॉट राइट विदाउट थिंकिंग। सो व्हेनेवर यू गेट चांस टू राइट, डोंट लूज इट, ऑलवेज राइट, ऑलवेज ट्राई टू राइट योर पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स एटसेट्रा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ न्यू रूल्स लेकर के आए हैं, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या रूल्स लेकर के आए हैं? कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड और अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको कुछ डिटेल्स देनी होंगी उसको सिंबल्स जो है अलॉट करवाने के लिए। क्या? ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ऑडिट किए हुए अकाउंट्स की मींस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट की डिटेल उनको देनी होगी। नाउ आप मुझको बताइए कमेंट में कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक का होता है। देखते हैं कितने लोगों को ये पता है, आप सर्च कीजिए, भले कोई बात नहीं, सर्च करोगे तब भी तो आपके पास कुछ ना कुछ न्यू ही आपको मिलेगा।
ठीक है, आप बताइए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होती है इंडिया में, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होती है, ये वन ईयर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट टू इलेक्शंस, मींस जो लास्ट टू इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस या जनरल नेशनल इलेक्शंस मींस लोकसभा के इलेक्शन, इनमें यदि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया देन व्हाट वर देयर एक्सपेंडिचर्स, क्या उन्होंने खर्च किया, उसमें कितना पैसा उनका खर्च हुआ, लास्ट टू इलेक्शंस का उनको क्या देना होगा, एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट देना होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दैट व्हाट आर RUPPs, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पर टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मींस एक तो रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, मींस दोज व्हिच हैव नॉट सिक्योर्ड इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन असेंबली और जनरल इलेक्शन बिकम अ स्टेट पार्टी, टू बिकम अ स्टेट पार्टी। गाइज देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, यू कैन गो एंड अप्लाई टू रजिस्टर योर पॉलिटिकल पार्टी, बट देयर आर सो मेनी पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो रजिस्टर्ड तो है बट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है किसी भी स्टेट में या स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज को हम क्या कहते हैं, कि 10 कि आप रजिस्टर्ड हो बट अनरिकॉग्नाइज्ड हो, ये वो पार्टीज होती हैं कि बहुत ज्यादा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनको बहुत ज्यादा कोई वोट परसेंटेज नहीं मिलता, या अभी नई नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट अभी किया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पार्टीज को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को वी कॉल रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड तो है लेकिन अभी स्टेट लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउड करता है सिंबल्स टू कॉल एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। सो दिस इज द रूल विच प्रोवाइड बेसिक प्रोविजंस टू अलॉट सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इट इज रिलेवेंट विद Science and Technology segment. Now this is direct to cell or direct to mobile. Okay, it was in news in recent days. First of all, why it was in news? Let's have a look about its context. Recently, SpaceX, it's an American company, इसने launch किया a first batch of Starlink satellites. Starlink satellites का इन्होंने एक batch launch किया है, और इन satellites की capability क्या है? They can provide direct to cell connectivity. Now you may have some questions that what are Starlink satellites and what are what is direct to cell technology or capabilities. So guys, let's understand it in summary. देखो, direct to cell, direct means होता है, आप समझ ही रहे होंगे कि without means उसके बीच में कोई mediator नहीं है. Cell या सेल की जब हम बात करें तो इट्स अबाउट मोबाइल फोन की बात हो रही है। देखो, जनरली द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन मॉडर्न वर्ल्ड, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यू कैन हैव अ मोबाइल, आपके पास में एक मोबाइल है, आपने यहाँ से किसी को कॉल किया तो एक जो ग्राउंड या लैंड बेस्ड जो टावर्स होते हैं, ठीक है, जो टावर्स होते हैं, आपके जो सिग्नल्स है वो कहाँ जाएंगे, इस ग्राउंड बेस्ड टावर के पास जाएंगे। ये टावर क्या करेगा, फिर जिसको आप कॉल कर रहे हैं, दिस टावर विल ट्रांसमिट और ट्रांसफर द सिग्नल्स टू दिस सेल फोन एंड यू विल हैव अ कनेक्टिविटी, ओके, सो यू कैन कम्युनिकेट टू दैट पर्सन। बट डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी इज व्हाट, यहां से ये जो लैंड बेस्ड टावर है इसको हटा दिया जाएगा, मींस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नाउ सिग्नल कैसे होंगे, दिस सेल फोन, ये सेल फोन ऊपर जो सैटेलाइट होगा, मैं यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ मान लीजिए एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट को कम्युनिकेट करेगा और सैटेलाइट से डेटा जो कनेक्टिविटी सीधी मोबाइल फोन को होगी, इसके थ्रू कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
तो D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी न्यू एज कम्युनिकेशन अप्रोच दैट कंबाइंस ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ इन्होंने एक बात और कर दी कि ये ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों को क्या करती है, कंबाइंड करती है। देखो ब्रॉडबैंड तो आपको समझ में आ गया कि ब्रॉडबैंड में जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उससे एक केबल के थ्रू जाती है कनेक्टिविटी, फिर वो सैटेलाइट के थ्रू जाती है या केबल के थ्रू, फिर बीच में फिर कोई जो है मीडिएटर होता है, फिर उसके थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, कम्युनिकेट करती है। जब हम ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, मीन्स इसमें आप जो है दोनों साइड से कम्युनिकेट करते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, आप टेलीविजन पर केबल डेटा क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है। आप ओनली वॉच कर सकते हो, मींस जितना भी टीवी पर जो कुछ भी आप वॉच कर रहे हो वो केबल आपकी तरफ आ रहा है, टीवी से कुछ भी उधर की तरफ कोई सिग्नल नहीं जा रहा। दैट्स व्हाई जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इट्स ओनली अ वन वे और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। जब हम बात करेंगे इसके, भाई ये जो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो इसमें क्या होगा कि दोनों ही टाइप की टेक्नोलॉजी को इसमें कंबाइंड कर दिया जाएगा। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। इसमें क्या होगा कि आपके जो सेल फोन है, अगर आप इस पर टीवी चलाना चाहें, टीवी देखना चाहें, तो अभी तक की सिचुएशन ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको कहीं यूट्यूब पर जाकर के लाइव देखना होगा या किसी मोबाइल ऐप जो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के बने हुए हैं, यू कैन गो देयर एंड लाइव वॉच लाइव न्यूज एटसेट्रा ऑन दैट ऐप, ऐसा आप कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट के थ्रू आप लाइव देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, आप डेटा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और डेटा का किसी से आप प्लान लेते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि आप अपने टीवी, अपने मोबाइल फोन पर क्या करेंगे, टीवी की तरह ही चैनल को चला पाएंगे। आप बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स होते हैं या एक्सेट्रा कुछ भी होता है वो डायरेक्ट आप ले पाएंगे और आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सपोज यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ, ये स्पेस फिल हो गया, सपोज करो FM। अच्छा, आप जब FM पर कोई सॉन्ग सुनते हैं तो क्या आपको इंटरनेट का डेटा ऑन करने की रिक्वायरमेंट होती है? नो। आप क्या करते हैं, अपने सेल फोन में बस एक ईयरफोन लगा देते हैं और वहां से आप जो है म्यूजिक को सुन सकते हो, तो कोई डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे कि टेलीविजन पर, आप टेलीविजन पर न्यूज चलाते हो, कुछ भी चलाते हैं, तो क्या वहां पर आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। वहां पर कैसे होता है, एक आप डिस्क का एंटीना लगा होता है, ठीक है, और उसके थ्रू होता है। तो मोबाइल फोन्स पर भी यही टेक्नोलॉजी काम करना स्टार्ट कर देगी। कैसे, सैटेलाइट के थ्रू, स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू। और इसका फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट अभी ये कर रहे हैं, जो स्टारलिंक टेक्नोलॉजी है स्पेस एक्स कंपनी, उसके थ्रू ये सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। बाकी वी विल डिस्कस दिस टेक्नोलॉजी इन डिटेल इन अवर क्लास। यू कैन हैव एयर the difference between broadcast and broadband, so it's very simple ke jo broadband hai wo high speed internet access ko provide karta hai, transmitting data in both directions, but broadcast is a one way transmission of content such as tv or fm ya radio signals, theek hai। ab iska pata hai ek fayda aur kya hone ja raha hai, iska ek benefit bahut acha jo hone wala hai कि जब भी कोई क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। जो केबल्स वगैरह होती हैं, जो टावर्स वगैरह होते हैं, सपोज करो कहीं पर भूकंप आया या कहीं पर सुनामी आ गई या बहुत तगड़ा साइक्लोन आया, वहां पर क्या होगा, दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स will destroy the physical infrastructure, तो उससे क्या होगा, it will destroy the communication setup, but when you have direct to cell या direct to mobile technology, then आपका क्या होगा
कि आपके हाथ में आपका मोबाइल, यहाँ मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, यहाँ और दूसरा कहीं दूसरी तरफ मोबाइल, ठीक है, यहाँ से आपका सिग्नल सीधा सैटेलाइट पर जाएगा, जो कहाँ होंगे, स्पेस में होंगे, वहां से सीधा सिग्नल जो है अनदर मोबाइल फोन पर आएगा। दूसरा, यदि गवर्नमेंट को कुछ जो है वार्निंग देनी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को सेंड करेगी और वो आप तक सीधा पहुंच जाएगा। तो बीच में जो टावर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब क्या हो जाएगी, जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप और अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड। नाउ देयर आर सम गुड्स विच आर इन न्यूज, दिस इज अ स्टैटिक पोर्शन, हाउएवर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज यू शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अंडर द इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। सो व्हाइट गुड्स आर रिसेंटली इन यूज, तो व्हाट आर व्हाइट गुड्स, सिंपली व्हाइट गुड्स आर द हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैसे हैं, ड्यूरेबल्स हैं, और लार्ज होम अप्लायंसेस सच एज वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, सच काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज व्हाइट गुड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई दीज आर कॉल्ड व्हाइट गुड्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ये जो अभी आप जो देखते हैं कि आपको रेफ्रिजरेटर कई सारे कलर्स में मिल जाते हैं, लेकिन इनिशियली जितने रेफ्रिजरेटर्स थे, वॉशिंग मशीन्स थी या एयर कंडीशनर थे, ये सब ओनली व्हाइट कलर में आते थे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि ये सब क्या है, व्हाइट गुड्स हैं, ठीक है, और ये हैवी मशीन्स होती हैं। एयर कंडीशनर्स को यदि अभी आप लुक करेंगे तो आपको एयर कंडीशनर अभी भी केवल कौन से कलर में मिलेंगे, वो व्हाइट कलर में ही मिलेंगे, कहीं भी आप जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का गुड है हमारे पास वेवलेंथ गुड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, देयर डिमांड इंक्रीजेस एज अ प्राइस इंक्रीजेस, उनका जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है, क्यों, बिकॉज दे आर लग्जरी आइटम्स, मीन्स वो एक्सक्लूसिविटी में होते हैं, तो जब जब इनकी प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग एक्सक्लूसिव फील करेंगे। सपोज करो जैसे आप रोल्स रॉयस कार की बात करें तो उसके जितने ज्यादा हाई प्राइस होंगे मीन्स वो किसी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव लोगों के पास में ये कार मिलती है, ठीक है, या हम फेरारी की बात करें, एक्सक्लूसिव है ना। तो ये वो गुड्स होते हैं जो केवल लग्जरी होने की वजह से उनके प्राइसेस हाई होते हैं और फिर उनकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग फॉर अनदर टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं, इनकी भी डिमांड इंक्रीज होती है जब इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं। व्हाई, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम देम, अब उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सपोज करो व्हीट, ठीक है, तो अब व्हीट की अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस क्या होंगे, इनके इंक्रीज होंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। भाई लोग अब गेहूं की जगह व्हीट की जगह ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल का डेटा खाने लग जाएंगे, या जो चीजें व्हीट से बनती हैं अब ऐसा तो है नहीं कि वो पोटैटो से बन जाएंगी, नहीं। सो गिफ्ट गुड्स आर द गुड्स, व्हेन देयर डिमांड इंक्रीजेस देयर प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज देयर आर नो सब्स्टिट्यूट टू दोज काइंड ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन इज सिन गुड्स, सिन मींस होता है पाप, पाप वाले सामान, ऐसा इनका कहना है। तो सिन गुड्स क्या है, कंसीडर्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी के लिए लार्ज स्केल पर हार्मफुल होते हैं, सच एज अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, या और भी कई टाइप के ड्रग्स हो गए, कोकीन हो गया, है ना, हीरोइन हो गया, या स्मैक हो गया, है ना, या ओपियम हो गया, तो बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको हम सिन गुड्स बोलते हैं। दीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी बट ओनली हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज प्रेरणा प्रोग्राम, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड होगा, इट्स रिलेटेड विद एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रेरणा कैसा प्रोग्राम है, एन एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, बहुत कुछ इसमें बच्चों को एक्सपीरियंस करवाया जाता है और स्पेशल फोकस किया जाता है इसमें उनकी लीडरशिप स्किल्स पर, लीडरशिप क्वालिटी पर।
एक वीक के आसपास का ये प्रोग्राम चलता है। इसमें 9th to 12th के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 10 बॉयज और 10 गर्ल्स का एक ग्रुप होता है। और इस प्रोग्राम को मोस्टली स्टार्ट किया गया है कहाँ से, एक वर्नाकुलर स्कूल है, कहाँ पर, वडनगर में, ठीक है। वडनगर कहाँ पर है, गुजरात में। और इसका करिकुलम बनाया है IIT गांधीनगर ने, ठीक है। और वो चाहता है कि स्टूडेंट्स में वैल्यू बेस्ड थीम्स पर क्या हो, लर्निंग हो, उनमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो और उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट हो। इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। बिकॉज दीज 10 बॉयज एंड गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्कूल एंड वेरियस स्टेट्स, तो डेफिनेटली दे विल प्रमोट द वसुधैव कुटुंबकम फीलिंग, बिकॉज दे विल बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, सो दे विल प्रमोट डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। सो कीप इट इन माइंड दैट प्रेरणा प्रोग्राम इज रिलेटेड विद एजुकेशन। प्लेसेस इन न्यूज, रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान में क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो वो कहाँ पर हुए, उसकी कर्मन सिटी में हुए, और कर्मन सिटी कहाँ पर है, ईरान। इफ वी टॉक अबाउट सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट ईरान, तो ये क्या है, ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का कंट्री है, ठीक है। इट्स बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और टर्की एंड इराक, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। बॉर्डरिंग इसकी वाटर बॉडीज कई बार पूछी जाती हैं, ये तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट मीन्स बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो ईरान भी जो है कैस्पियन सी को टच करता है, गल्फ ऑफ ओमान से भी ये उसको बॉर्डर बनाता है और पर्शियन गल्फ के साथ में भी इसका बॉर्डर है। अगर हम बात करें यहाँ के माउंटेन की, तो जागरूस माउंटेन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, एल्ब्रुस और कॉकेसस, दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन ईरान और विच कैन बी आस्क्ड इन माउंटेन रेंजेस। कई बार पूछ लेते हैं कि किसी एक माउंटेन रेंज का नेम दे देंगे और पूछ लेंगे इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ध्यान रखिएगा जागरूस, एल्ब्रुस एंड कॉकेसस, ये ईरान में जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ से डिजर्ट बहुत पूछे गए हैं, दो डिजर्ट हैं यहाँ के बहुत पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पर, और इनका नाम है दस्ते कबीर और दस्ते लुत। ये दो क्या है, यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ठीक है। नाउ मैंने आज आपके लिए कुछ होमवर्क भी प्रिपेयर किया है कि आप इस पर थोड़ा सा क्या करें, एफर्ट्स लगाएं और आप कमेंट में मुझे बताएं और अपने नोटबुक में लिखें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान। आपको पता है कि आसियान एक इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइज मीन्स एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए, आसियान का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स, ये भी काफी पॉपुलर है, इन दोनों न्यूज में है, तो ब्रिक्स का भी आप मेरे को कमेंट में फुल फॉर्म बता सकते हैं और नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, नेटो का फुल फॉर्म क्या है, आप लर्न करें, प्लस आप इसको जो है कमेंट्स में लिखिए और ये बताइए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ, है ना, इसका फाउंडेशन कब हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO, SEO की फुल फॉर्म क्या है, कब बताइए, और मींस क्या फुल फॉर्म है इसकी, और बताइए कि व्हेन इंडिया बिकेम इट्स फुल मेंबर, ठीक है, इस इंडिया को जो है फुल टाइम मेंबरशिप कब मिली, ठीक है, और इंडिया के साथ में उसी ईयर में पाकिस्तान को भी मिली थी, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको पता ही होगा। इसी के रिगार्डिंग में अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था रैट्स, है ना, ये भी डिस्कस किया था, ये भी SEO से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज OPEC, तो आपको बताना है कि OPEC की फुल फॉर्म क्या है और OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो गाइस ये मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क रखा है और मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी डेली न्यूज एनालिसिस को सुने, पढ़ें, समझें, तो उसको आप ऐसे समझें कि यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा कि कभी भी कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी आती है या जो है एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो आप सोचो कि अगर वहां पर 10 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो क्या 10 लाख का सिलेक्शन होता है? नहीं होता, उसमें से फ्यू जो कैंडिडेट्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं, मीन्स जो सीरियसली स्टडी कर रहे होते हैं। तो सीरियसली स्टडी कीजिए और अपने नोटबुक्स बनाइए, जो हम आपको होमवर्क देते हैं उन पर भी काम कीजिए एंड फील बी कनेक्टेड। सो गाइज, वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड अगेन वी विल बी विद यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन 7th of January 2024। आई थिंक दैट इज संडे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।